पीकेगा जा तू गड़िया। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कांवर और शाम को रुके हुए थे होटल में। हम लोग रात में 11 बजे रुके हुए थे। कितना बजे रुके हुए थे? 11 बजे रुके। हम लोग 11 बजे रात को रुके हुए थे और वहाँ पे आराम किया, और आराम करने के बाद सुबह हुआ तो देख सकते कि कांवर लेके हम लोग निकल चुके हैं और सभी लोग हैं, और फिलहाल दो चार जन जो कि आगे हैं। और संजीत किधर है? संजीत ब्लॉक में नहीं आया। संजीत बगल में ही है, ये पूरा ब्लॉक में आने के लिए खुश रहता है। संजीत बोल बम बोल बम। तो गाइस रखते हैं और दिखाते हैं आगे आप सभी को। अभी बहुत तो गाइस फाइनली यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे हल्का ब्रेक लिए हम लोग सभी लोग, देख सकते हैं आप सभी। और उसके बाद आगे ब्रेक लेंगे करीबन 2 बजे के टाइम में, उसके बाद आगे दिखाते हैं आप सभी को। और इधर देख सकते हैं छोटे बम बड़े बम, इधर एक दो तीन है जो नए बम हम लोग ग्रुप में सब शामिल हुए हैं। तो आप कुछ बोलना चाहिएगा? तो आगे दिखाते हैं सभी को। भूखे हमारे के गाइस, तो अभी हम लोग खा पी के निकल चुके हैं, और एक नियम रहता है कांवर रखने से पहले हम लोग को हल्का माफी मांगना पड़ता है। अभी देखिएगा कि माफी मांगेगा। मांगो, उधर देखिए संजीत मांग रहा है। संजीत जल्दी संजीत नहीं मांगेगा। संजीत हम कर रहा है, देखिए अभी कर रहा है, देखिए। तो इस तरह नियम रहता है, और उसके बाद चलते हैं और डायरेक्ट दिखाते हैं अब आगे की ओर। बने रहिएगा। रखने वाला कांवरिया गोरियारी नदी ये है यहाँ का, देख सकते हैं, सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। और दिखाते हैं अभी आप सभी को आगे, बने रहिएगा। देखिए इधर इतना ज्यादा भीड़ भी है गाइस, देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग गोरियारी नदी के पास पहुंच चुके हैं। और देखिए बगल में आप सभी को दिखता होगा पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे कांवरिया लोग सभी लोग ठहरते हैं, और ठहरने के बाद फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि सभी लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और दिखाते हैं आप सभी को आगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। है गाइस, तो आज हम लोग का थर्ड दिन है, और थर्ड दिन में देख सकते हैं कि अभी हम लोग कैसे थक चुके हैं, और सब तेल उल मालिश कर रहा है आप देख सकते हैं। और शाम का जो हम लोग जहाँ रुके हुए थे आप सभी को नहीं दिखा सके, तो इसलिए सॉरी। और आगे दिखाएंगे आप सभी को देवघर में जाके, देवघर 20 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आगे दिखाते हैं आप सभी को। रहिएगा, बहुत ज़्यादा थकानी हो चुका है, हम तो पूरा बेहाल हो चुके हैं, ये भी पूरा बेहाल हो चुका है, देख सकते हैं। तेल मालिश कर रहा है इधर, और सब स्वस्थ बोल नहीं पा रहे अच्छा से। आगे काम कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, नहीं क्या बताए। लेकिन चलेंगे, पैदल ही चलेंगे, गाड़ी पर तो जाएंगे नहीं, 20 किलोमीटर और बचा हुआ है, चलेंगे। आप बने रहिए ब्लॉग में, हम बताएंगे देवघर का सीन है, वो भी पूरा दिखाएंगे। आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस अब देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं झारखंड के बॉर्डर पे। जय झारखंड। तो कुछ ही दूर में बस हम लोग अब पहुंच चुके हैं झारखंड धाम, काफी ज्यादा मेहनत करते हुए। अब देख सफल यात्रा में 3 दिन की सफल यात्रा करना पड़ा हम लोगों को। बैद्यनाथ 5 बज रहा है टाइम, बैद्यनाथ धाम 10 किलोमीटर अभी हम लोगों को और चलना होगा, उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे बाबा नगरी देवघर। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते कंटिन्यू। अब देख सकते हैं हम क्रॉस करने वाले, और हम ये क्रॉस कर लिए, अब हम आ गए अपना राज्य झारखंड में।
चलते हैं सीधा बाबा नगरी। आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा हालत खराब हो गया हम लोगों का। 10 किलोमीटर बचा है लगभग 100 किलोमीटर हम लोगों को चलने के बाद, और फिर इतना जद्दोजहद, पूरा पैर वगैरह दर्द कर रहा है इतना ज्यादा कि क्या ही बोले। काफी ज्यादा पैर वगैरह दर्द करने के बाद भी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब 10 किलोमीटर बचा हुआ है, वो भी हम लोग जैसे जैसे तैसे कर लेंगे। अब बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं। झारखंड राज्य प्रवेश करने के बाद देख सकते हैं कि कैसा है यहाँ पे, और अब डायरेक्ट दिखाएंगे शाम का नजारा। कुछ तो दिखाना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि पीछे हम दिखा नहीं पाए हैं फर्स्ट दिन और सेकंड दिन, तो इसलिए आप सभी को आज थर्ड दिन हम लोग का, और दिखाएंगे थर्ड दिन का कि क्या करते हैं हम लोग प्रोग्राम में हल्का फुल्का, और कल आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। फाइनली देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं, यहाँ पे काउंटिंग होगा कितना सारे लोग लगे हुए हैं कितने सारे लोग नहीं, और दिखाएगा विशाल अभी आपको पूरा, तो दिखा रहे हैं आप सभी को देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे अभी हम लोग को टिकट मिलने वाला है। झारखंड पहुँचे और उसके बाद हम लोग का पैर जो दर्द होने लगा ज्यादा, हमें मसाज यहाँ कराना है, और देख सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग के पीछे और सब कांवरिये के पीछे सब देख सकते हैं कि सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं आगे, और इधर देख सकते हैं पूरा। तो गाइस फाइनली शाम हो चुका है, और देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, और बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहा है मसाज कराने के बाद भी, और देख सकते हैं कि सारे लोग हैं, और जो जो आपको नहीं दिख रहा है वो अंदर के दरबार में जा चुका है। उन लोग बहुत होल्ड करेंगे यहाँ कुछ देर, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग, तो दिखाते हैं आगे। जैसे पहुंचा वैसे ही गेट लग गया, मतलब कंपार्ट बंद हो गया, और हम लोग आगे जाके आरती जागरण हुआ वहां पर चले गए, और गाइस फाइनली भी आ चुके हैं इधर घूमने के लिए। साइड में अभी रूम पे बैठे हुए थे हम लोग सभी लोग, और अभी टाइम 12:18 हो रहा है, इधर आए थे देखने के लिए। अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा, तो जो फोटो में देखते थे हम रियल में दिखा रहे हैं अपने से, देखिएगा कि कहाँ जल तो हम लोग डालते हैं और कहाँ जाता है ये सब हम आपको दिख रही है। एरा मेन गेट इधर 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 इधर, और इधर रहा ये रहा बाबा का मेन गेट, यहीं पे हम लोग को जल करने का मिलता है, और उसके बाद अंदर चला जाता है। तभी भी ऐसा नहीं घुस पाए थे, और जब जल चढ़ाने आएंगे उस टाइम दिखाएंगे आप सभी को, और दिखा पाएंगे ये या नहीं तो पता नहीं। फोटो वोटो क्लिक और अब चलते हैं रूम की ओर, और दिखाते हैं आप सभी को, कल मिलते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, और तो दिखाएंगे कितना लंबा लाइन लगता है आप सभी को, तो चलते हैं। गाइस देख सकते हैं कि सुबह हो चुका है, और अब जा रहे नहाने के लिए, और दिखाएंगे आप सभी को आगे। देख सकते हैं अभी विशाल भी आ गया वहाँ पे नहाने के लिए, लगा कि काफी ज्यादा सुकून मिला, काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, और एक बार डुबकी लगाइए, और बाबा का दर्शन करने के लिए जरूर आइए, जिससे भी हो पाता है बन पाता है, आप जो भी जिससे भी हो पाता है आप जरूर आइए एक बार घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, काफी ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके, तो आप एक बार जरूर आइए। अब हम लोग लास्ट है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे जल देने के लिए, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। पीछे अभी हम लोग जल ढार लिया, उसके बाद अभी देखिए भी खड़ा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग जद्दोजहद करके बाबा का दर्शन करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। अब देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, और फिर अब चलना है।
फैमिली को ले चुके हैं सर, और उसके बाद अगर आप हमारे वीडियो के तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उचित दाम पर उचित पेड़ा मिलता है, क्वालिटी मिलता है। और आप लोग आइएगा, एजी ग्रुप के नाम लीजिएगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं करीबन 40 किलो से एवन लिए हैं, तो चलते हैं अब डायरेक्ट घर की ओर, दिखाते हैं कि हमारे पास जितने सब दोस्त था वो सब देख सकते हैं कि सामान ले रहा है। और आइएगा जरूर यहाँ पे, आप जब भी बोलबम आइएगा इस रास्ते से यहाँ पे जरूर आइएगा। दुकान का नाम क्या भैया बोल दीजिएगा? पेड़ा भंडार, श्री राम पेड़ा भंडार, गुरमारा। ठीक है, दिखाते हैं फाइनली गाइस, हम लोग जो है सो बाबा धाम देवघर की दर्शन करके और आ चुके थे रात को ही। पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार 22 बुधवार, और फिर अभी हम लोग आए बाबा झारखंड धाम में दर्शन करने के लिए, सब जल वगैरह चढ़ा लिए। अब हम लोग जो है सब घर जाएंगे, सब मतलब दर्शन कर लिए यहाँ पे भी, प्रसादी वगैरह सब देंगे बांटेंगे, और सब देख सकते हैं सबका हालत कैसा ही है। सब हो रहे सब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।